एप्पल हो या वन प्लस, सैमसंग हो या रियलमी, सब में प्रॉब्लम आ रही है, सबके डिस्प्लेस जा रही है। एक्चुअली में ऐसा हो क्या रहा है और क्या तुम लोगों को पता है कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही हो रहा है? इंडिया के बाहर अगर तुम रिसर्च करते हो, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, किसी के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये सारी की सारी दिक्कतें इंडिया में ही क्यों आ रही है? सारी ग्रीन लाइन, सारी रेड लाइन इंडिया के डिवाइसेज में ही क्यों देखने के लिए मिल रही है? अब इस चीज का ब्रांड की तरफ से कोई ऑफिशियल रीजन नहीं आया, बट आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम काफी सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैमसंग की तरफ से। अब सैमसंग क्यों? क्योंकि भाई सैमसंग ही सारे स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करता है और सैमसंग ही एंड्रॉइड में किंग माना जाता है। अब अगर राजा में ही प्रॉब्लम है तो बाकी प्रजा क्या करेगी? सो ये सारी की सारी शुरुआत होती है सैमसंग के डिवाइसेज में, जब आज से कुछ 8 महीने पहले सैमसंग के डिवाइसेज में अचानक से ग्रीन लाइन और रेड लाइन का आना शुरू होता है, जिसके बारे में आज तक कंपनी ने कुछ नहीं बोला। बट जब उसकी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनने लगी, ज्यादा उस प्रॉब्लम को वायरल कर दिया लोगों ने ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो ब्रांड ने उस चीज को देखा एंड उस पे फ्री रिप्लेसमेंट दी। बट उसके बाद ये चीजें बढ़ती चली गई। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आती है, फिर वो तुम्हारा रियलमी का डिवाइस हो, वन प्लस हो, कोई भी स्मार्टफोन हो, उसके अंदर तुम्हारे 1 या 2 दिन बाद ग्रीन लाइन रेड लाइन आनी स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी फोन का तो मदरबोर्ड भी उड़ जाता है। हाँ, पहले भी ऐसे कुछ केस आए थे जिसके अंदर मदरबोर्ड डेड हो रहे थे, जो कि मैक्सिमम केस थे पोको और शाओमी के। बट उन दोनों डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से जो न्यू फीचर्स आते थे, जो न्यू इंप्रूवमेंट्स होती थी, उनका मदरबोर्ड इतना हैंडल नहीं कर सकता था। बट ये भी अकेली प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरी जो रीजन था उनके मदरबोर्ड डेड का, वो ये भी था कि जैसे उसको एक्सटर्नल फोर्स लगती थी मदरबोर्ड को। फॉर एग्जांपल किसी बंदे से फोन गिरा है, जब उसको फोर्स लगी तो वो भी मदरबोर्ड डेड का रीजन था, जिसके बारे में किसी ने बात नहीं करी थी। बट वो चीज तो पहले हो चुकी ना, तो अभी हम मेन फोकस रखते हैं अपने डिस्प्लेस के ऊपर। अब देखो, हर किसी को पता है कि जितने भी स्मार्टफोन हैं, फिर वो एप्पल हो, वन प्लस हो या सैमसंग खुद हो, सारे की सारे डिस्प्लेस मैन्युफैक्चर करता है सैमसंग। अब जब सैमसंग की डिस्प्लेस में आनी शुरू हुई प्रॉब्लम, एंड जिसमें भी वो एमोलेड डिस्प्लेस जली हुई थी, उन सब के अंदर वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। बट यहाँ पर इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना सब, क्योंकि कोई भी डिवाइस हो, फिर वो सैमसंग का ऑफिशियल हो, वन प्लस हो, सबके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही ग्रीन लाइंस क्यों देखने के लिए मिली? अगर सैमसंग का मान ले कि सैमसंग ने घटिया डिस्प्ले बना के दी है, सैमसंग ने बहुत दिक्कतें कर दी अपने डिस्प्ले में, उनके बस की नहीं थी मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद भी उन्होंने सारे स्मार्टफोन्स में डाली एंड उसके बाद भी वो बिल्कुल सही चल रही है, उनमें 120 हर्ट्ज भी है, सारे कलर्स हैं, सब सही है, बट सिस्टम अपडेट के बाद आती है। बट अब यहाँ पे कंपनी ये बोलती है कि हमारी सिस्टम की अपडेट तो बिल्कुल भी खराब नहीं थी, हमने और इम्प्रूवमेंट करी है चीजों में और एनहेंस करी है, तो हम यहाँ पे सच किसका माने, कंपनी का या फिर सैमसंग का? सैमसंग कह रहा मैंने डिस्प्ले अच्छी दी है, कंपनी कह रही है हमने अपडेट अच्छी दी है, हम क्या भाई यहाँ बेवकूफ बैठे हैं कि हमें वो प्रॉब्लम मिल रही है? अब देखो, तुम्हारे सामने लिस्ट आ रही होगी, इतने सारे डिवाइसेज में प्रॉब्लम आ रही है और इसमें कोई भी फोन नहीं बचा। लोग बोलते थे कि पुराने फोन में आ रही है, ये तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी है, जो बोलते थे कि पुराने फोनों में आती है, तो भाई नथिंग फोन 2 में भी दिक्कत है, तो हम यहाँ पे करें क्या? और सबसे ज्यादा इश्यू देखने के लिए मिल रहा वन प्लस और सैमसंग के अंदर। बट तुम्हें ये चीज तो पता ही होगा कि ओप्पो के अंडर आती है रियलमी, वन प्लस सब, और जब इन सब में आ रहे हैं तो सबसे कम केस ओप्पो के कैसे हैं? अब डिस्प्ले प्रॉब्लम तो आ रही है, बट ये आ क्यों रही है, आओ उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज, डिस्प्ले के अंदर काफी सारे पिक्सल्स होते हैं एंड अगर कोई भी पिक्सल डैमेज होता है तो वो लाइन बन जाती है और वो बढ़ती चली जाती है, फिर वो रेड हो या फिर ग्रीन हो। बट मैक्सिमम बंदे बोल रहे हैं कि भाई हमारा फोन गिरा नहीं है, हमने उस पर ज्यादा हार्ड प्रेस करा नहीं है, तो हमारे पिक्सल डैमेज कैसे हो गए? तो हाँ, सही बात है, अगर नहीं गिरा फोन तो पिक्सल डैमेज कैसे हुए? यानी कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अपडेट में कोई दिक्कत थी? बट कंपनी बोलती है कि सॉफ्टवेयर के अपडेट में कोई दिक्कत नहीं है। तुम सर्विस सेंटर पे कॉल लगाते हो, कहते हो सर्विस सेंटर आ जाओ, तुम धक्के खा के पूरी लाइन में लग लग के सर्विस सेंटर पहुंचते हो एंड वहां पे तुम्हें बोला जाता है कि तुम दूसरा फोन ले लो। और भाई वन प्लस तो इतना ज्यादा कर रहा है कि तुम्हें 19,000 रुपए खुद दे रहा है, 19,000 रुपए का ऑफर दे रहा है कि तुम हमारा नया फोन ले लो, तुम्हें 20,000 रुपए छुट्टी, बाकी जो तुम्हारा फोन था ये हमें दे दो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह लगा के ऑलमोस्ट तुम्हें 5-10 हज़ार में नया फोन मिल रहा है वन प्लस का। हाँ, डील अच्छी है, बट डील आ रही है वन प्लस 10R पे और 10R इतना घटिया फोन है, तुम लोगों को भी पता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देखी गई है वन प्लस के 9R और 10R में ही देखी गई है। अब ये डिस्प्ले प्रॉब्लम तो आईफोन में भी आई थी, आईफोन 13 प्रो में, 14 प्रो में एंड 14 प्रो मैक्स में भी इनफैक्ट। बट एप्पल ने इसके रिगार्डिंग क्या करा? एप्पल ने सीधा सीधा बोला कि भाई हमारे सिस्टम अपडेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी 16.6 iOS की अपडेट आती है एंड उसके अंदर वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। जितने भी बंदों के डिवाइसेज में ग्रीन लाइन आई थी वो सब फिक्स हो गया। जब एप्पल कर सकता है तो सैमसंग क्या तुम नहीं कर सकते? जब एप्पल को चुराने की बारी आती है, तुम डिस्प्ले उससे ज्यादा ले आते हो, सारी चीजें उससे ज्यादा ले आते हो, तो जब वो सिस्टम अपडेट से ठीक कर सकता है
तो तुम्हारे पे नहीं हो रहा। और सबसे मेन चीज कि इंडिया के फोन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाहर की किसी भी डिवाइसेज में प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही? एप्पल में जो ग्रीन लाइन आई थी ये बाहर यूएस वगैरह के डिवाइसेज में क्यों नहीं आई, ये भी इंडिया के अंदर ही क्यों आई? ये तो अभी तक भी मिस्टीरियस है। बाकी अगर तुम लोगों को पता है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यूएस, चाइना, यूरोप इनके फोन्स में दिक्कत क्यों नहीं आ रही। भाई सारी कंपनी, सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन क्या इंडिया में भरे हैं? और सबसे बड़ी बात कि अब तक कोई भी ब्रांड ये क्लेम क्यों नहीं कर रही कि भाई अच्छा ठीक है हमारे सिस्टम में कुछ इश्यू था, हमारी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कमी थी। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे ही नहीं रही है ब्रांड। बाय द वे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे अभी अभी याद आई है कि इस बार आईफोन 15 प्रो का जो लॉन्च है वो शिफ्ट कर दिया गया है सितंबर से अक्टूबर में। और उसका रीजन क्या था कि एप्पल के जो 15 प्रो मैक्स है, 15 प्रो है, इसके अंदर डिस्प्ले उन्होंने चेंज करी है। और डिस्प्ले कौन बनाता था एप्पल की? सैमसंग। और अब कौन बना रहा है? एलजी। तो अगर एप्पल ने सैमसंग के साथ कुछ पार्टनरशिप खत्म करी है और एलजी को दी है अपने डिस्प्ले की पार्टनरशिप, तो क्या इसके पीछे कुछ रीजन है कि सैमसंग ही गलत डिस्प्ले बनाकर तुम्हें दे रहा था, जिसकी वजह से ग्रे लाइन आईफोन में भी देखने के लिए मिली थी, जिसकी वजह से एप्पल ने वो पार्टनरशिप खत्म करके एलजी को दे दी? क्या ये चीज सच है? क्योंकि एप्पल ने तो ये कर दिया, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पार्टनरशिप एलजी को दे दी है, जिसकी वजह से इस बार 15 प्रो मैक्स डिले हुआ है। तो क्या छुपा रही है स्मार्टफोन कंपनीज हमारे से? अब इस चीज से इतना तो पक्का होता है कि भाई सैमसंग के डिस्प्लेज में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, जिसकी वजह से एप्पल ने उससे पार्टनरशिप खत्म करी और एलजी को दे दी। अगर इसका कुछ और रीजन है तो मैं और ज्यादा रिसर्च करूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करूंगा। बाकी अभी तक तो किसी भी ब्रांड की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन सबसे पहला तो यही आता है, भाई ट्राई करो, तुम्हारा सस्ता फोन हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, 40,000 का हो या 1-1.5 लाख का हो, फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम अपडेट मत करो, उससे बच के ही रहो। 2-3 हफ्तों तक तो देखो भी मत कि तुम्हारे डिवाइस में कोई अपडेट भी आई है। वो पॉपअप भेजेंगे बार बार, सॉफ्टवेयर अपडेट आ गई, कर लो, नहीं करना है, थोड़ा सख्त बनो भाई। और 2-3 हफ्ते के बाद ट्विटर पे, जो अब एक्स हो चुका है, या फिर यूट्यूब पे जाओ और जाकर बस अपने डिवाइस का नाम डालो, सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करो और फिल्टर में जाके रिसेंट का सिलेक्ट कर लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है, क्या उस अपडेट से कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं आई है। अगर नहीं आती है या 1-2 ही केस मिलते हैं तो तुम कर सकते हो, अगर बहुत लंबी लिस्ट है तो प्लीज उसको अवॉइड ही करना। बाकी मैं तो अगेन यही बोलना चाहूंगा कि जब एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू अपनी सारी ग्रीन लाइन फिक्स कर दी गई है, तो ये जो इतनी सारी कंपनीज है जो एप्पल को फुल ऑन कॉपी करती है, अभी रियलमी का न्यू डिवाइस लॉन्च हुआ है C53, उसके अंदर भी भाई तुम्हें ग्रीन लाइन देखने के लिए मिलती है, जो कि पूरा डिजाइन वाइज एप्पल से इंस्पायर्ड है। तो भाई सॉफ्टवेयर अपडेट को भी एप्पल से इंस्पायर्ड करो ना, जो तुम्हें टाइम टू टाइम मिले और अच्छी अपडेट्स मिले। बाकी आई होप कि तुम सभी लोगों के डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइज। बाय बाय।